गुड मॉर्निंग बच्चों। अच्छा देखो, पीछे आपको बताया था वॉइस यानी पैसिव वॉइस के बारे में। अब अपना नेक्स्ट ग्रामर गार्ड जो टॉपिक है वो है रिपोर्टेड स्पीच। तो इसमें क्या करना है कि आपको डायरेक्ट सेंटेंसों को इनडायरेक्ट में बदलना है, यानी ये है अपने रिपोर्टेड स्पीच। अब ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें क्या करना है कि डायरेक्ट सेंटेंसों को इनडायरेक्ट में लिखना होता है। परीक्षा में अपने को एक डायरेक्ट सेंटेंस दिया होगा और उस डायरेक्ट सेंटेंस को अपने इनडायरेक्ट में बदलेंगे। तो सबसे पहले देखो, जैसे ये एक एग्जांपल है डायरेक्ट सेंटेंस का, जैसे ये लिखा है कि राम सेड टू मोहन, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम ए गोइंग टू स्कूल, ये एक सेंटेंस है। देखो ये एक डायरेक्ट सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में देखो, इस सेंटेंस के हैं दो भाग। एक तो ये जो कॉमा यहाँ लगाया है और इन्वर्टेड कॉमा यहाँ शुरू किया गया है, तो कॉमा से बाहर वाला भाग है एक तो, और एक क्या है कि ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ इन्वर्टेड कॉमा शुरू किया गया है और ये वाक्य के अंत में इन्वर्टेड कॉमा को बंद किया गया है। अब इन दोनों भागों में देखो, ये जो कॉमा से बाहर वाला भाग है ये मतलब कि इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये है रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो भाग है, ये अंदर वाला भाग है वो क्या है, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टेड स्पीच। अब इनको देखो, दोनों भागों को, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, इन दोनों को अलग अलग तरीके से अपने समझेंगे तो समझ आएगा रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस प्रकार से बदलनी है और रिपोर्टेड स्पीच है वो किस तरीके से बदलना है। तो सबसे पहले देखो, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको किस प्रकार से बदलना है, यानी डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में लिखेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब में अपने को क्या क्या चीज़ बदलनी है, किस तरीके से इसको लिखना है। देखो इसमें जैसे ही ऊपर वाला जो आपको एग्जांपल बताया, इसमें देखो ये सबसे पहले लिखा हुआ है राम, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है यानी कर्ता। ये जो सेट टू लिखा है ये इसकी वर्ब है, यानी वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब की जो वर्ब है। और ये जो मोहन शब्द लिखा है ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। अब इसमें इस डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में जब अपने बदलेंगे तो क्या करेंगे कि जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो तो सेम का सेम लिखना ही होता है। जैसे यहाँ राम लिखा है तो इनडायरेक्ट में लिखेंगे तो भी राम ही लिखेंगे, और ये जो ऑब्जेक्ट है मोहन है तो मोहन का मोहन लिखेंगे। इसमें अपने को बदलनी क्या है, केवल एक वर्ब बदलनी है। जैसे इसमें ये सेट टू लिखा है, इस वर्ब को बदलना है। तो वर्ब है वो किस प्रकार से बदलनी है, यानी डायरेक्ट में इस प्रकार से लिखी होगी तो इनडायरेक्ट में अपने को इस प्रकार से बदलना है इसको। अच्छा देखो, जैसे डायरेक्ट में लिखा हो से, से टू, तो इनडायरेक्ट में क्या करना है, इस से टू को यानी अपने को लिखना है टेल में, इसको टेल में चेंज करना है। अब ये से टू को टेल में कब चेंज करेंगे, जब जो दिया हुआ सेंटेंस है यानी रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य है वो देखना है, ये अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है या फिर नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस तब क्या करना है, इसको से टू को टेल में बदलना है। अब अगर सब्जेक्ट इसका सिंगुलर है
तो ये सेज लिखा होगा, सेज टू, इसको टेल्स में बदल देंगे, टेल्स में चेंज करना है। ये वही बात है अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस होने पर। इसके बाद में जैसे ये से की बजाय वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हो, यानी सेड लिखा हो, सेड टू लिखा हो, तो सेड टू अगर लिखा है तो इसको क्या करना है, ये जैसे से तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट टेंस में, और ये सेड है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट टेंस में, तो ये प्रेजेंट में है तो इसको प्रेजेंट में ही लिखना होता है, ये पास्ट में है तो इसको पास्ट में लिखेंगे। तो सेड टू को चेंज कर देंगे, टेल की सेकंड फॉर्म होगी टोल्ड, टोल्ड में बदलना है। ये कब है, अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस होने पर। इसके बाद में देखो जैसे ये से, से टू, इस से टू को अपने को बदलना होता है आस्क में। अब ये आस्क में कब बदलना होगा, यानी आप ये से टू को आस्क में चेंज तब करेंगे जब दिया हुआ सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कहने का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य हो। प्रश्नवाचक अगर वाक्य है तो जो से टू लिखा है इसको आस्क में चेंज कर देना है, और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है, सेज लिखा है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सेज लिखाएगा, सेज टू है तो इसके साथ में आस्क के साथ में एस लगा देना है, आस्क में चेंज कर देना है। कौन से वाक्यों में, इंटरोगेटिव सेंटेंसों में। ये इस प्रकार से ये जो वर्ब है इसको बदलना है। अब कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब में ये केवल सब्जेक्ट लिखा होता है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता, तो उसमें क्या होगा कि ये टू नहीं लगा होगा, केवल एक वर्ब आएगी, तो अकेली अगर वर्ब है तो उसको बदलने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो कि लिखा हुआ है से आता है, तो से को क्या करना है, से में ही लिख देना है, या सेज लिखा हुआ है तो सेज का सेज लिख दो, इसी प्रकार से लिखा हुआ है सेड तो सेड का सेड लिख दो। ये कब करना है, जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो, कहने का मतलब ये वर्ब है इसके साथ में अगर टू नहीं लगाए तो इसका मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, और ऑब्जेक्ट अगर नहीं है तो इस तरीके से ये सेम के सेम लिख दिए जाते हैं। अब ये जैसे बताया आपको पहले कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वो दोनों सेम लिख रही है, वर्ब को चेंज इस तरीके से कर देना है। अब इसके बाद में बात आती है यानी कि रिपोर्टेड स्पीच की। डायरेक्ट सेंटेंस में ये दो भागों में बंटा होगा वाक्य, एक तो कोमा से बाहर वाला भाग और एक इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला भाग। तो सबसे पहले क्या करना है कि इन दोनों भागों को मिलाकर एक वाक्य बनाना है। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या करेंगे कि कोमा और इन्वर्टेड कोमा इनको हटा देना है, और इनको जब हटाएंगे तो कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटाकर दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए यहाँ कंजक्शन यानी कनेक्टिव लगाएंगे, संयोजक जिनको हिंदी में बोलते हैं। तो ये जो कंजक्शन या कनेक्टिव हैं वो कौन कौन से लगाने हैं, किस तरीके से लगाने हैं, ये रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य के अनुसार लगाए जाएंगे। तो कौन कौन से कंजक्शन हैं, कौन कौन से यानी ये जो कनेक्टिव हैं वो काम में लेते हैं, देखो अच्छा देखो सबसे पहले यानी कि कोमा व इन्वर्टेड कोमा, कोमा व इन्वर्टेड कोमा को हटाकर निम्न में से कोई एक कनेक्टिव है वो कंजक्शन है वो लगाना है, कनेक्टिव में लगाना है। तो ये कनेक्टिव है वो किस तरीके से लगाने हैं, कौन कौन से लगाने हैं, देखो इनमें देखो नंबर एक पहली बात आती है, सबसे पहले देखो कि कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा करें, कनेक्टिव है वो अपने काम में लेते हैं दैट, टी एच ए टी दैट, ये कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे और इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कनेक्टिव है वो लगाएंगे दैट। अब ये दैट कनेक्टिव है वो कहाँ लगाना है, यानी कि जो दिया हुआ सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच वाला जो ये वाक्य है वो देखना है, ये क्या हो, अफर्मेटिव सेंटेंस हो या फिर नेगेटिव सेंटेंस हो,
नेगेटिव सेंटेंस, तब क्या करना है कि कनेक्टिव है वो दैट लगाना है। इसके बाद नंबर दो, दूसरा कनेक्टिव अपने को लगाना है इफ या वेदर। तो इफ कनेक्टिव है वो कब लगाना होता है, इफ कनेक्टिव लगाएंगे, ये जो रिपोर्टेड स्पीच वाला जो ये वाक्य है, ये रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं वो दो तरीके से बनते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से यानी साइकिलिया से बनाते हैं और एक डब्ल्यू एच वर्ड से बनाते हैं। तो इफ कहाँ लगाना है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है और वो हेल्पिंग वर्ब से बनाए गए एच वी से, यानी साइक्रिया से अगर प्रश्नवाचक वाक्य है तो उस वाक्य में कनेक्टिव है वो लगाया जाएगा इफ या वेदर। इसके बाद नंबर तीन, तीसरा कनेक्टिव है वो लगाएंगे डब्ल्यू एच वर्ड का मतलब जैसे व्हाट ए व्हेन ए वेयर व्हाई हू व्हम व्होज, ये जो शब्द होते हैं ना क्यों कब कहाँ किसने कैसे किस लिए, ये अर्थ देने वाले जो शब्द होते हैं इनको डब्ल्यू एच वर्ड बोलते हैं। तो ये डब्ल्यू एच वर्ड है वो क्या करना है कि कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर कनेक्टिव के रूप में काम में लेना है। तो ये डब्ल्यू एच वर्ड है वो कौन से वाक्यों में लगाएंगे, ये लगाएंगे दिया हुआ सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो और इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो किससे बनाओ, डब्ल्यू एच वर्ड से बनाओ, डब्ल्यू एच वर्ड से। अब इनमें वाक्य यानी ये जो रिपोर्टर स्पीच वाला जो ये वाक्य है वो जिस डब्ल्यू एच वर्ड से बनाए गए वही डब्ल्यू एच वर्ड है वो कनेक्टिव लगाना है। जैसे ये जो वाक्य इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर बनाया गया व्हाट से तो व्हाट का व्हाट लिखना है, व्हाई से बनाया है तो व्हाई का व्हाई लिखना है, वेयर से बनाया गया तो वेयर का वेयर लिखना है, और हाउ मैनी से बनाया गया तो हाउ मैनी लिखना है। कहने का मतलब जो डब्ल्यू एच वर्ड है यहाँ जिससे प्रश्नवाचक बनाया गया वही डब्ल्यू एच वर्ड है वो कनेक्टिव के रूप में काम में लेना है। इसके बाद आती है बात नंबर चार यानी चौथा कनेक्टिव है वो लगाना है टू। अब ये टू कनेक्टिव कौन से सेंटेंसों में लगाएंगे, ये लगाएंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी जो आज्ञा सूचना जो वाक्य होते हैं सलाह सुझाव आदेश अनुरोध वाले जो सेंटेंस होते हैं वो इम्पेरेटिव होते हैं। तो ये रिपोर्टेड स्पीच वाला जो वाक्य है वो अगर इम्पेरेटिव दिया हुआ है तो इम्पेरेटिव सेंटेंसों में कनेक्टिव है वो क्या लगाना है, टू लगाना है। तो इस प्रकार से ये कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटाकर इन चारों में से कोई एक इस वाक्य के अनुसार कोई एक कनेक्टिव लगाना है। एफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस है तो कनेक्टिव क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। अगर ये जो रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य है वो इंटरोगेटिव है यानी प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक है वो किससे बनाए गए, हेल्पिंग वर्ब से बनाए गए यानी सहायक क्रिया से अगर बनाए गए तब तो उसमें कनेक्टिव है वो अपने को इफ या वेदर लगाना है, और अगर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो डब्ल्यू एच वर्ड से बनाए गए तो वही डब्ल्यू एच वर्ड जिससे ये इंटरोगेटिव बनाए गए प्रश्नवाचक वाक्य बनाए गए वही शब्द है वो कनेक्टिव के रूप में काम में ले लेना है। इसके बाद नंबर चार चौथा कनेक्टिव भी काम में लेते हैं वो होता है टू, और टू कनेक्टिव कहाँ लगाएंगे, जहाँ ये जो रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य है वो इम्पेरेटिव अगर सेंटेंस दिया हुआ है तो उस वाक्य में कनेक्टिव है वो टू लगा देते हैं। इसके बाद में देखो आगे बात आती है नंबर दो रिपोर्टेड स्पीच की। तो रिपोर्टेड जो स्पीच है इसमें अपने को क्या क्या करना है, किस तरीके से कौन कौन सी बातें हैं वो इसमें बदलनी है। अच्छा, रिपोर्टेड स्पीच में ये देखो निम्न बातें हैं वो बदलनी है। रिपोर्टेड स्पीच अब ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें इस प्रकार से बदलना है। नंबर एक पहली बात यानी कि प्रोनाउन बदलने होते हैं, प्रोनाउन चेंज। नंबर दो टेंस चेंज। और नंबर तीन है टाइम या स्पेस, टाइम है एंड स्पेस या डिस्टेंस
समय या दूरी, ये तीन चीज़ें हैं वो बदलनी होती हैं। पहली बात देखो, प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब है, जैसे हिंदी में इसको अपने बोलते हैं सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब क्या होता है कि जो शब्द संज्ञा के लिए अपने काम में लेते हैं, संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं, वो क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। और ये प्रोनाउन हिंदी और अंग्रेजी में एक तरीके से ही है। तो एक तो ये सर्वनाम बदलने, दूसरी बात टेंस, यानी कि जो समय है उसको टेंस, कौन से टेंस का वाक्य है उसको कौन से टेंस में किस तरीके से बदलना है, वो टेंस वाली बात। और फिर उसके बाद में समय और दूरी वाली कुछ एडवर्ब आती हैं, उन एडवर्बों को बदलना होता है। तो ये इस तरीके से तीन चीज़ें वो अपने को बदलनी है। प्रोनाउनों को बदलना है, टेंस को बदलना है, और टाइम एंड स्पेस वाली बात है उसको बदलना है। तो सबसे पहले देखो, ये प्रोनाउन है वो किस तरीके से बदलने हैं। तो आपको प्रोनाउन बदलने से पहले ये पता होना चाहिए कि प्रोनाउन है वो कौन कौन से हैं, और ये किस तरीके से इनको लिखा जाता है, किस तरीके से कौन कौन से हैं। देखो ये गए प्रोनाउन टेबल है, देखो प्रोनाउन। अब इनमें प्रोनाउन यानी जो सर्वनाम है, इनमें क्या होगा कि ये जो प्रोनाउन है इनको तीन प्रश्नों के रूप में बांटा जाता है। तीन प्रश्नों के रूप में प्रश्न, और प्रत्येक जो प्रश्न होता है, जो तीनों प्रश्न हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, यानी जिनको हिंदी में अपने पुरुष बोलते हैं, जैसे हिंदी में संस्कृत में आप पढ़ते हो देखते, यानी अपने आता है जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इसी तरीके से अंग्रेजी के ये पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो ये जो पर्सन है वो वाक्य में इस प्रकार से लिखे जाते हैं, यानी कर्ता के रूप में सब्जेक्ट, कर्ता के रूप में लिखा जाता है। नंबर दो ऑब्जेक्ट, कर्म के रूप में लिखा जाता है। नंबर तीन पजेसिव, पजेसिव के रूप में लिखा जाता है। और नंबर चार रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। ये इस तरीके से, यानी कि जो प्रश्न होते हैं वो एक वाक्य में चार तरीके से लिखे जाएंगे, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, पजेसिव है और रिफ्लेक्सिव है। तो ये देखो, ये प्रश्न है, इनको किस तरीके से लिखना है। फर्स्ट पर्सन, प्रश्नों में सबसे पहले जैसे आ गया फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सनों में, फर्स्ट पर्सनों में कौन से आते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन वो होते हैं जिनका अर्थ है खुद से होता है,